सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्म यज्ञ में हम पांचवें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मनसा परिक्रमा का जो पांचवा मंत्र है, जिसमें विशेष बात कही कि वह जो विष्णु है, ध्रुवा दिक् विष्णुराधिपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवाहा तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यम वयम् द्विष्मस्तम् वो जम्भे दध्मः। तो वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, वो हमारी चहु ओर से हर दिशाओं से हमारी रक्षा करे, हर दिशा में वह हमारा रक्षक बन करके विद्यमान है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बनाएं, हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, जो गलतियां हैं, जो भूलें होती हैं, उनको वो क्षमा करे। हम किसी से यदि ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो, और कोई हमसे ईर्ष्या द्वेष करता है, तो हम दोनों स्थितियों में वह न्याय व्यवस्था उसकी जो है उसके हवाले करते हैं, उसको समर्पित करते हैं। वह अपना जान और दया का जो स्वभाव है उसका, जान का जो स्वभाव है और न्याय का जो स्वभाव है, वो न्याय करे परमपिता परमेश्वर। यहां जो अगली बात कही है उसमें विशेष ये है कि यह सारा संसार दिशा का जो अधिपति विष्णु है, विष्णु संगठन करता है और यहां पालन पोषण करता है, रक्षा करता है। उसी के इशारे पर वनस्पतियां, जगत के लता पेड़ पौधे, तना शाखा प्रशाखा इत्यादि अनेक रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं और भिन्न भिन्न ये रूपों में फल फूल हमको प्राप्त होते हैं। ग्रीवाएं भिन्न होते हुए भी जो समवेत सुरों में जो अनेक प्रकार से गा रहे हैं, हमें आकर्षित कर रही हैं और कह रही कि हे लोगों, हम अपने उत्पादक विष्णु रूप दिशाधिपति के अनुशासन के साथ साथ उत्पन्न हुई हैं, फली फूली हैं, हमारी ग्रीवाएं भिन्न हैं, फिर भी हम संगठित एक रूप में हैं और तुम्हें पुकार पुकार करके ये आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि आओ हमारा उपभोग करो। पके हुए फल को देख करके, खिले हुए फूल को देख करके सबका मन होता है कि उसे वो प्राप्त करे। तो वो मानो हमको आकर्षित कर रही हैं और कह रही हैं कि उस ईश्वर ने, उस विष्णु ने हमारा निर्माण आपके भोग के लिए किया है, हमको जो है ग्रहण करिए, हमारा उपयोग करिए। ये संसार विचित्रताओं से भरा पड़ा है, अनेक प्रकार के फूल वनस्पतियां जिनको हम ग्रहण करके शक्तिशाली बनते हैं, हमारे अंदर का जो है सामर्थ्य बढ़ता है। एक एक फल को देखिए, पत्ती को देखिए, कितने प्रकार की पत्तियां बनाई हैं और इसके जो विशेषज्ञ वही बता सकते हैं। हजारों पत्तियां आप इकट्ठा कर लें लेकिन एक जैसी मिलेगी नहीं। वनस्पतियों में उसका रंग बदला होगा, उसकी डिजाइन बदली होगी, उसका आकार प्रकार बदला होगा। हजारों पत्तियां भी इकट्ठा करे तो भी एक जैसी पत्ती होगी नहीं। इतना बड़ा वो परमात्मा चित्रकार है, कलाकार है। तो ये जो सारी वनस्पतियां और सारे जो वैभव हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए उपकार करते हैं। कितना उत्कृष्ट परोपकारी आदर्श ये प्रस्तुत कर रही हैं। इसी आदर्श से यह हमारी ईश्वर बनी हुई है।
पर रक्षक भी हैं, क्योंकि यह हमें प्रेरित कर रही हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं कि जिस ध्येय पथ को लेकर हम सामाजिक क्षेत्र में उतरे हैं उसमें निरंतर कार्यरत रहें, परोपकारी कार्य में जुटे रहें, अन्याय, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास और अधर्म से सदा ऊपर उठ करके जो हमारे लिए कल्याणकारी है उस मार्ग में हम सतत आगे बढ़ते रहें, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहें, बल्कि दूसरों को भी, इस जगत की भी उन्नति हम करें। जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं और जो भी समष्टिगत हमारे आसपास प्राणी रहते हैं, उनका भी और इस वातावरण का भी हमेशा हम ध्यान रखें, उसके उत्कर्ष के लिए कार्य करें, उसके अपकर्ष के लिए नहीं, उनकी अवनति के लिए नहीं, उनकी उन्नति के लिए। अपनी भी उन्नति करनी है और साथ साथ इस जगत की भी उन्नति करनी है, ये संदेश हमको इन वनस्पतियों से मिलता है। वो फूलती हैं, फलती हैं, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि उनका ग्रहण हम करें। हमारे प्राणों की रक्षा होती है, हमारे जीवन की रक्षा होती है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम वनस्पतियों का और संसार के सभी प्राणियों का हित करें, उसको खा करके अहित ना करें। यह परमात्मा की ओर से हमको प्रेरणा मिलती है कि यह सब कुछ तेरे लिए बनाया है और तुझको यह पुष्टि सामर्थ्यवान बनाएगी और उस सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना। जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है अन्न को खा करके, यदि उसका मन ठीक नहीं होता है तो अन्न खाना ना खाना बराबर है। अन्न को खाने से जो पौरुष की प्राप्ति होती है, जो उत्साह की प्राप्ति होती है, जो बल की प्राप्ति होती है, वो दूसरों की रक्षा के लिए हो। अपनी रक्षा तो करनी ही करनी है, इस संसार की भी रक्षा करनी है। संसार हमारा है। जैसे अपने घर में हम देखते हैं कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है, कोई टूटी फूटी चीजें तो नहीं है, उनको व्यवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगता है ये मेरा घर है, मैंने इसको बनाया है। कहीं पर दीवार में कोई खराश भी करता है तो क्रोधित हो जाते हैं कि दीवार को खराब मत करो, या कोई घर में हमने गमला लगाया है उसको कोई तोड़ देता है तो जो है डांटते हैं। कहने का आशय ये है कि ये संसार रूपी जो घोषणा परमात्मा ने दिया है, जो ये घर दिया है, ये हमारा है, अपना है, ऐसी भावना से जो जीवन को जीते हैं वास्तव में वही सच्चे साधक हैं, सच्चे अध्यात्म जीवन को जीने वाले होते हैं। और जो तोड़फोड़ करते हैं वो पिशाच बुद्धि वाले होते हैं, संकीर्ण सोच वाले होते हैं। ऐसी मति नहीं होनी चाहिए। ऐसी यदि मति है तो जीवन में दुर्गति की प्राप्ति होगी, कभी भी सदगति की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्योंकि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारा संसार, ये सारी वसुधा, ये हमारा परिवार है। ऐसा कौन सोचते हैं जो उदार चरित्र वाले होते हैं। संसार में जो कुछ भी है, जो प्राणी है, वो उनमें भी जो प्राण है, जो आत्मा है, उस परमात्मा के द्वारा वो व्यवस्थित हैं, तो मैं उनको अव्यवस्थित करने का अधिकारी नहीं हूं। यदि मैं किसी के प्राण दे नहीं सकता तो किसी के प्राण लेने का भी अधिकार मुझको नहीं है। ऐसी उदात्त भावना होनी चाहिए, तभी राष्ट्र का उत्थान होता है, संसार का उत्थान होता है और अपनी संतुष्टि के साथ साथ अपनी उन्नति के साथ ही सबकी उन्नति होती है। महर्षि देव दयानंद कहते हैं, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहें, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। कुछ लोग जो दूसरों की उन्नति देख करके जल जाते हैं या ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो खासकर उनके लिए यहाँ पर ये जो मंत्र हैं उनको सचेत करने के लिए हैं कि हमको कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। किसी की उन्नति देख करके, किसी का उत्थान देख करके हमारे अंदर हीनता, दीनता या जो है पारुष्य या असूया या अनेक प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो कभी भी नहीं आने चाहिए। संसार इस ध्येय की पूर्ति में जो
साधक लगता है उसको सफलता मिलती है। तपस्वी आप्तजन हमारे यथार्थ ईश्वर हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा विद्वान धीर गंभीर लोगों ने अपने जीवन को ऐसा जी करके हमको एक रास्ता दिया है। उनकी लिखी हुई बातें, उनके द्वारा दिए गए उपदेश भी हमारे लिए रक्षक हैं। हम उनके दीर्घकाल के अनुभव को, उनके दीर्घकाल की तपस्या का फल ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं कुछ पल में। उनके दीर्घकाल के जीवन में जो भी उनको त्याग से, तपस्या से, अष्टांग योग के पालन से, ईश्वर प्रणिधान से, समाधि से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने हमारे लिए कहा और उस फल को हम पल भर में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये पल भर का ज्ञान हमारे पूरे जीवन भर रहेगा तो हमारा जीवन सफल होगा ही होगा। तो ये सुनिश्चित हम करें कि जो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो नेतृत्व करने वाले ऋषि मुनियों के उपदेश हैं, उनका कभी भी हम अतिक्रमण ना करें। संगठनात्मक कार्य करने वाले जो नेता संगठन सुदृढ़ बनाए रखने और उसको यथेष्ट अनुशासन रखने हेतु कुछ अत्यंत आवश्यक साधनों की आवश्यकता होती है, और यह साधन निश्चित रूप से व्यवस्थित करने का जो प्रयत्न करते हैं वो ही इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से मंत्र का सार यह हुआ कि हम अपनी विविध उपलब्धियों के साथ एक सच्चे वानप्रस्थी, गृहस्थी, संन्यास या जो भी आश्रम का हम ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वहन कर रहे हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने साथ साथ सबका विकास हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह सब ईश्वर के जो है द्वारा प्रदत्त हमको मिला हुआ है। सब अड़चनों को पार करते हुए, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए धैर्य पूर्वक समृद्ध एवं संगठित जो है करने के प्रयासों से सूझबूझ एवं शांति के साथ एक साथ जुट रहें, अर्थात संगठन में रहें, इसी ध्येय की पूर्ति में दिशा का अधिपति विष्णु के आधिपत्य में रहते हुए हम उसे नमन करते हैं, उसकी रक्षण व्यवस्था और ईश्वरों का आभार व्यक्त करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। जो हमसे द्वेष करे या हम जिससे द्वेष करें, उन्हें वह अपने आप को उस दिशाधिपति विष्णु भगवान की न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ये मैं पुनः यहाँ संकेत करना चाहूंगा कि ये भावना तो होनी ही चाहिए कि मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करूं, किसी के प्रति छल कपट ना रखूं और मेरे प्रति भी कोई ना रखे। ये एक व्यवस्था है अध्यात्म जीवन जीने की। लेकिन यहाँ पर राष्ट्र की बात आ जाए, समाज की बात आ जाए या कुछ जो अधार्मिक तत्व हैं, अन्याय करने वाले हैं या अंधकार में रहने वाले हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी उनका जो है उत्थान हम ना करें, कभी उनका प्रोत्साहन ना करें, क्योंकि हमारी उदासीनता ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है जो और आततायी बनकर के राष्ट्र की और समाज की हानि करते हैं। उनको तो षठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा करना चाहिए। ये क्षात्र धर्म है, ये क्षत्रिय का धर्म है, एक सैनिक का धर्म होता है, इसलिए इससे कभी भी हमको बचना नहीं चाहिए। अगला मंत्र बहुत अच्छा है, अंतिम मंत्र है इसका, जो मनसा परिक्रमा मंत्रों में, और यहाँ पर ये कहा ऊर्ध्वादिक बृहस्पति। यहाँ पांचवे में तो कहा था कि ध्रुवादिक विष्णु अधिपति और यहाँ पर बृहस्पति है, तो इसको हम एक बार देखते हैं। मनसा परिक्रमा का अंतिम यह मंत्र है, कहा ऊर्ध्वा, ओम ऊर्ध्वा ओम ऊर्ध्वा दिक् ऊर्ध्वादिक
बृहस्पतिर अधिपति ही। बृहस्पतिर अधिपति अधिपति ही श्वित्रो श्वित्रो रक्षिता। श्वित्रो रक्षिता रक्षिता। यहां विरुद्ध था, यहां पर करेंगे वर्ष मिशवः। उच्चारण करेंगे ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्ष मिषवः। ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्ष मिषवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं जम्भे दद्मः। भावार्थ एक बार देखते हैं। कहा कि वह जो ऊर्ध्वा ऊर्ध्व दिशा के लिए एक विशेष प्रार्थना यहां पर की, ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा का जो महान पालक प्रभु है, अधिपति उसका स्वामी है, श्वित्रः बढ़ने वाले दुख रोग अज्ञान से त्राण अर्थात रक्षा करने वाला है, रक्षिता है वो, वर्षम जान का वर्षण करने वाला है, जान का प्रदाता है, ईश्वः अज्ञान को दूर करने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर को उसकी शक्तियों को नमन है, प्रणाम है। और हमारे अंदर की जो कुटिलता है, हम यदि किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं या कोई हमारे से ईर्ष्या द्वेष करता है तो वह हम उसके न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं, उसके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं, वह उसका स्वयं ही निराकरण करे। ऐसी भावना के साथ इन मंत्रों का जो है उच्चारण करते हुए अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। कह रहे हैं कि ऊपर अर्थात बाहर की ओर विराजमान महान पालक प्रभु हमारा स्वामी है, वही बाहरी संसर्ग से प्राप्त होकर के बढ़ने वाले दुख रोग अज्ञान से बचाने वाला हमारा रक्षक है। संसार रूपी रचना द्वारा जान का घर्षण ही अज्ञान का इशु नाश करने वाला है,
इसलिए उस महान पालक प्रभु उस स्वामी को जो है बाह्य संसर्ग से वृद्धि को प्राप्त होने वाले दुख रोग अज्ञान से बचाने वाले रक्षक और संसार रूपी इस विविध जान के द्वारा अज्ञान को दूर करने वाले ईश्वरों को हमारा नमस्कार है। उनकी रक्षा रूपी जो शक्तियां हैं उनको नमस्कार है। ये जो विशेष बात यहाँ पर कही है इसको और हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक एक विचार हमारे लिए हमारे जीवन का आधार बन सके, हम अपने आप को और इस संसार को उद्धार की दृष्टि में ले जा सके। जो व्यक्ति साधना की राह में चलता है दूसरों को भी वो साधक बना देता है, और जो भोगों की राह पर चलता है वो दूसरों को भी भोगी बना देता है। इसलिए हम साधक बने, जो सच्चा साधक है वही समाज का सुधारक है। अपने को साधक बनाएंगे, तपस्वी बनाएंगे, तो लोग स्वयं ही अपने आप तपस्वी बन जाएंगे। ये एक तापस जीवन का फल होता है, उसका जो है महत्व होता है, उसका प्रभाव होता है। अतः यहाँ पर जो बात कही है, ऊर्ध्वा दिशा में ध्रुवा दिशा में किए गए प्रयासों से भी अधिक प्रयास और अधिक ऊंचा उठने के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसी इसमें प्रार्थना की गई है। कहा कि ध्रुवादिक में हमने समाज सेवी के रूप में सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया, अपनी अब तक की अर्जित उपलब्धियों व व्यावहारिक प्रयोगों को किया, यह परीक्षण किया कि सद्व्यवहार सहचारिता के साथ सदाचरण की कसौटी पर हम कहां तक खरे उतरे। इस परीक्षण के दौरान जहां जहां हमें अपनी त्रुटियां नजर आई उन्हें दूर करने का प्रयास किया और आपसी मतभेदों को दूर किया। साथ साथ अपने हृदय में यदि किसी के प्रति गांठें हैं तो उनको भी उन गांठों को खोलने का प्रयास किया। मन भेद नहीं होने दिया। पारस्परिक जो सौहार्द है उसको सदा ऊपर उठाने का प्रयास किया। निश्चय ही इससे समाज में हमारी विशेष छवि बनती है। जब हम निश्चल होकर के निर्द्वंद होकर के निर्भार होकर के निष्काम होकर के विचरण करते हैं, लोक के कल्याण के लिए अपने को लगाते हैं, तो लोक के लोग भी हमारी बात सुनते हैं और सदा हम जो समाज का अंधकार है, जो अविश्वास है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। जिनके जीवन में सच्चरिता है, जिनके जीवन में सदाचरण है, जिनके जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति है, तो उनको ऐसी शक्ति स्वयं ही मिल जाती है कि वो जहां भी बैठते हैं, जहां वो कुछ बोलते भी नहीं है, तो भी लोग उनसे प्रकाशित होते हैं। उनकी भावनाओं से, उनके अंदर की जो विचारधारा है उससे लोग प्रभावित होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इससे जो भ्रामक पारंपरिक रीति रिवाज या अनेक प्रकार की जो कुप्रथाएं होती हैं, कुसंस्कार होते हैं, वो भी व्यक्ति साधक जो होता है, अच्छा साधक, उसको दूर करने में समर्थ होता है। ऊर्ध्वा दिक ऊपर की दिशा हमारे लिए और उन्नत होने की दिशा है, क्योंकि अग्नि भी ऊपर की ओर ही उठती है और अग्नि ऊपर की ओर उठकर के हमको संदेशा देती है कि हम कभी जीवन में पतित ना हो, हम सदा ऊपर उठते रहें, कभी भी पतन ना हो, कभी भी हम नीचे की ओर ना गिरें, कभी भी नीची सोच नहीं होनी चाहिए, कभी भी नीच हरकत नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें हमको, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये विचार, ये संस्कार हमको सदा ऊपर उठाते रहते हैं। अतः इस जो दिशा का स्वामी है वो कौन है? बृहस्पति। ऊर्ध्वा दिक बृहस्पति, अधिपति, वो अधिपति है। दिक इस ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा का जो स्वामी कौन है? बृहस्पति है। और वह हमारी शुत्रो, वो हमारी रक्षा करने वाला है। हमारा जो है शुत्रा अर्थात उस परमात्मा की जो व्यवस्था है उससे हम
सदा ऊपर उठने का प्रयास करें, कभी भी जीवन में अवनति को प्राप्त ना हो। इसलिए वह सर्वशक्तिमान है, वेदों के ज्ञान का देने वाला है, वेदोक्त ज्ञान का प्रदाता है, वही गुरुओं का भी गुरु है, आदि गुरु है। पूर्वेशाम अपि गुरुः काले नानव छेदात, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं। अर्थात वह प्रभु पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु है तथा काल से अविच्छिन्न है, काल की सीमा से परे है, वो काल के गाल में कभी समाता नहीं है। संसार तो काल के गाल में समाता रहता है, लेकिन वो काल से परे है। काल का प्रभाव केवल देहधारियों पर होता है और परमात्मा देहधारी नहीं है। उसको कहा कि सा पर्यागा शुक्रम अकायम अवरणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। वह एक ही है और अकायम है, अवरणम है, अस्नावीरम है, अपाप विद्धम है, शुक्रम है, अनेक उसको गुणों से कहा गया है। तो इस मंत्र की चर्चा और हम अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।